Tonight we're running on the right track. कैसा सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज भाई हम वीडियो लेकर आए हैं, हमारे फ्रेंड ने रिक्वेस्ट करी कि भाई ये वीडियो देखो, बहुत ज़बरदस्त है। ये भी स्टोरी है KTM की, सक्सेस स्टोरी है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो लग रहा है। चले स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले फिर छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब फ्रेंड तक पहुँचती रहे। चले स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अपनी जबरदस्त स्पीड और शानदार लुक्स की वजह से दुनिया भर में फेमस KTM की बाइक्स भारत में लॉन्च होने के बाद से ही लोगों के दिलों की धड़कन बन चुकी है। यह एक ऐसी बाइक है जो कि हर युवा की पसंद है, और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ अमीर लोगों की पहुंच पे है। इसकी कीमत इतनी लाजमी तो है कि इसे हर बाइक लवर अगर चाहे तो खरीद सकता है। वैसे तो KTM ने भारत के बाजार में कुछ ही सालों पहले दस्तक दी है, लेकिन थोड़े समय में ही यह मोटरसाइकिल्स की दुनिया में शिखर पर पहुंच चुकी है, और शायद ही कोई ऐसी बाइक होगी जिसे कि इतने कम समय में इतना प्यार मिला हो। दोस्तों, KTM बेसिकली ऑस्ट्रिया की मोटरसाइकिल और स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी है, जो कि KTM इंडस्ट्रीज AG और बजाज ऑटो के द्वारा ऑपरेट की जाती है। दरअसल दोस्तों, KTM AG की स्थापना 1992 में हुई थी, लेकिन इस कंपनी की असल शुरुआत तो आज से कई सालों पहले 1934 में ही हो गई थी। आज के समय में KTM AG जो है वो KTM ग्रुप की पैरेंट कंपनी है। तो चलिए दोस्तों, KTM के पूरे सफर को अच्छे से समझने के लिए हम इस कहानी को शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1934 से, जब ऑस्ट्रिया के एक इंजीनियर जोहान ट्रैंकन पोइज ने एक कार रिपेयरिंग की दुकान की शुरुआत की, और फिर अगले 2 सालों में उन्होंने TKW ब्रांड की मोटरसाइकिल्स और ओपल कंपनी के कार बेचने भी शुरू कर दिए। उस टाइम उनकी दुकान का नाम ट्रैंकन पोज मैटी गोफिन हुआ करता था, जिसे कि हम शॉर्ट में KTM भी कह सकते हैं। लेकिन आगे चलकर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, और उस दौरान जोहान सेना में शामिल हो गए, और फिर कुछ सालों तक घर के खर्चों को चलाने के लिए उनकी वाइफ ने ही पूरे बिजनेस को संभाला। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो रिपेयरिंग के काम में बहुत कमी आ गई, और इसी दौरान ट्रैंकन पोज ने अपनी खुद की मोटरसाइकिल्स बनाने का फैसला किया, और फिर उनकी पहली मोटरसाइकिल R100 का प्रोटोटाइप 1951 में बनाया गया। इस मोटरसाइकिल में रोटेक्स कंपनी का इंजन लगा था, और इसके अलावा मोटरसाइकिल्स के ज्यादातर पार्ट्स को दुकान पर ही बनाया गया था। 2 साल तक जब मोटरसाइकिल की जांच पूरी तरीके से कर ली गई, तो फिर 1953 में मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन करना भी शुरू कर दिया गया। उस वक्त कंपनी में सिर्फ 20 एम्प्लॉयज काम किया करते थे, लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि सिर्फ 20 लोगों के साथ भी कंपनी हर दिन करीब 3 नई बाइक्स बना लिया करती थी। हालांकि दोस्तों, अभी तक यह कंपनी रजिस्टर्ड नहीं की गई थी, लेकिन 1953 में अर्नेस्ट क्रॉनरिफ नाम के एक बिजनेसमैन ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद कंपनी को क्रॉनरिफ ट्रंकन पोल्ज मैटी गोफिन नाम के साथ रजिस्टर्ड किया गया। 1954 में कंपनी ने R125 टूरिस्ट नाम की एक बाइक लॉन्च की, और इसके बाद ही ग्रैंड टूरिस्ट और स्कूटर मिराबल को 1955 में लॉन्च किया गया। हालांकि इसी बीच कंपनी के लिए गौरव का पल तब आया जब 1954 में KTM के बाइक ने ऑस्ट्रियन 125cc नेशनल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया, और यह रेस जीतकर कंपनी ने रेसिंग जगत में भी अपना लोहा मनवाया। 1957 में KTM की पहली स्पोर्ट्स बाइक आई, जिसका नाम ट्रॉफी 125cc था। साथ ही इसी साल KTM का पहला मोपेड मेकी भी लॉन्च किया गया। आगे चलकर 60 के दशक के दौरान कंपनी ने साइकिल्स बनाना भी शुरू कर दिया, लेकिन इसी बीच कंपनी का बुरा दौर तब शुरू हो गया जब कंपनी के हिस्सेदार अर्नेस्ट क्रॉनरिफ की मृत्यु 1960 में हो गई, और फिर 2 साल के बाद ही 1962 में हार्ट अटैक की वजह से कंपनी के फाउंडर जोहान ट्रैंकन पोइज ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और दोस्तों, यह दौर कंपनी के लिए बहुत ही बुरा साबित हो रहा था। अपने पिता की मृत्यु के बाद एरिस ट्रैंकन पोइज ने कंपनी को मैनेज करने की जिम्मेदारी अपने सर पर उठाई, और उन्होंने कंपनी को एक नए सोच के बलबूते आगे बढ़ाया। एरिस ट्रैंकन पोइज के समय कंपनी ने काफी विकास किया, और 1971 में इस कंपनी में काम करने वाले लोगों की संख्या 400 से भी ज्यादा हो चुकी थी। अपनी स्थापना के 40 साल के बाद KTM 42 अलग अलग तरह के मोटरसाइकिल्स के मॉडल बना रही थी, और फिर 70 और 80 के दशक में मोटरसाइकिल्स बनाने के साथ साथ कंपनी ने मोटर्स और रेडिएटर्स बनाना भी शुरू कर दिया था। KTM के द्वारा बनाए गए रेडिएटर्स यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर्स को भेजे जाते थे,
जो कि 80 के दशक में कंपनी के बिजनेस का एक आम हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसी बीच कंपनी के द्वारा बनाए गए स्कूटर और मोपेड की डिमांड में काफी कमी आ गई और इसीलिए 1988 में इनका प्रोडक्शन बंद करने का फैसला किया गया। और फिर अगले ही साल कंपनी के मालिक एरिस ट्रंकन पोस्ट की भी मृत्यु हो गई। अब धीरे धीरे कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। कंपनी कर्ज में पूरी तरह से डूब चुकी थी और फिर 1991 में कंपनी का मैनेजमेंट उन बैंक्स को दे दिया गया जिसके कि वे कर्जदार थे। और फिर अगले साल 1992 में कंपनी को चार अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें से KTM स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल GmbH, जो कि KTM का मोटरसाइकिल डिवीजन था, उसने मोटरसाइकिल के काम को आगे बढ़ाया और कंपनी के सबसे मशहूर बाइक ड्यूक मोटरसाइकिल सीरीज का प्रोडक्शन 1994 में शुरू किया। 1997 में कंपनी ने LC4 सुपर मोटो और एडवेंचर बाइक्स की शुरुआत की और फिर आगे चलकर 2007 में इंडियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बजाज ऑटो ने KTM के 14.5% शेयर को खरीद लिया और फिर 2013 आते आते बजाज ऑटो के पास कंपनी की 47.97% की हिस्सेदारी हो चुकी है। 2012 में KTM स्पोर्ट मोटरसाइकिल GmbH का नाम बदलकर KTM AG कर दिया गया और 2015 आते आते कंपनी का टर्नओवर 1 बिलियन यूरो को छू गया। साथ ही इस कंपनी में काम करने वाले लोगों की संख्या 2515 पहुंच चुकी थी। और दोस्तों, KTM की आजकल की फेमस बाइक KTM 200 ड्यूक को महाराष्ट्र के चाकड़ में बजाज ऑटो के प्लांट में बनाया जाता है। दोस्तों, यह थी KTM कंपनी की कहानी, जिसने कि अपनी ड्यूरेशन में काफी सारे फ्रेंड की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लगी, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। ये भी वीडियो बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी थी। उम्मीद होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए तो सक्सेस आपको मिलेगी, ये मेरा मानना है, तो आपका मानना भी यही होगा। चले चलते हैं, अभी वीडियो लेकर हाजिर होंगे। जाने से पहले फ्रेंड छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब फ्रेंड तक पहुँचते रहे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। चलते हैं।